नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन से आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर। आज आया हूं सर कोई आइटम दिखाने के लिए नहीं। ट्रांसपोर्ट की काफी लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि सर सूरत से कपड़ा हम कैसे मंगवा सकते हैं, तो उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि कपड़ा या कोई भी आइटम जो आप मंगवा रहे हैं सूरत से, हमारे यहाँ से या कहीं से भी, उसको तो किस तरीके से मंगवा सकते हैं। मोस्टली सभी एरिया की यहाँ से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहती है। मिनिमम 50 से 60 किलो का एक पार्सल बनना चाहिए, उतना पार्सल ट्रांसपोर्ट में आराम से जा सकता है, कहीं भी आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। बस खाली आपको इतना ध्यान रखना है, मेन स्टेशन के आजू बाजू आपका जहाँ भी स्टेशन है वहाँ पे कपड़ा पहुँच, मेन स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट यहाँ से सभी स्टेशन की अवेलेबल रहती है। अगर आपका इंटीरियर गांव देहात के अंदर है तो आपको वहाँ से मेन स्टेशन से आके लेना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि भी आपके यहाँ तक पहुँचाया जाए तो फिर वो कुरियर सर्विस के द्वारा भेजा जाएगा। कुरियर सर्विस थोड़ा कॉस्टली पड़ता है तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज, आप अगर वहां बैठे ऑर्डर देना चाहते हैं तो भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, और अगर आप यहाँ आकर कपड़ा छांट के देख के ले जाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। रिकमेंड हम आपको यही करेंगे कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए, देखें और उसके बाद कपड़ा लेके जाएं। अब इसके अंदर कपड़ा ले जाने के बाद समस्या कुछ इस तरीके की आती है कि रास्ते में चोरी हो जाता है या एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहीं से भी माल ले लें, जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ से ही लें, तो ये जरूर देख लेवे कि वो इंश्योरेंस करके भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। हमारा कोई भी माल 100% हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं फुल वैल्यू का, जिससे किसी भी तरीके के रास्ते में अगर कोई गड़बड़ होती है, आपको माल नहीं मिलता है, तो या तो हम आपको दूसरा कपड़ा देंगे, दूसरा माल देंगे, नहीं तो आपको आपकी वैल्यू जितना अमाउंट है वो वापस लौटाएंगे। जैसा आप चाहें वैसा हम कर सकते हैं सर इसके अंदर। और दूसरा एक ये है कि आप माल जिसे खरीद लिए तो फिर ट्रांसपोर्ट में हम लोग उसको माल को पहुंचाते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि आज माल गया है, आज हमको बिल्टी मिल जाए, तो थोड़ा सा यहाँ के सिस्टम अलग होता है। हम लोग ट्रांसपोर्ट में माल ले जाए, माल डालने के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पूरा एक इंडस्ट्री है, अलग से एक एजेंसी रहती है जो कि पूरे पार्सल्स इकट्ठे करती है और वहाँ ट्रांसपोर्ट में डाल के आती है। अलग अलग जगह के अलग अलग ट्रांसपोर्ट होते हैं, डालने के बाद उसकी 2-3 दिन बाद में बिल्टी हमको मिलती है, जो कि अगर सीसी अटैच होती है तो आपको बिल्टी भेजने की जरूरत नहीं है, आपको बिना बिल्टी के माल मिल जाएगा, और अगर सीसी अटैच नहीं होती है तो उसकी कंसाइनी कॉपी जो है हम आपको बाई पोस्ट भेजते हैं। अगर आपका एड्रेस एकदम इंटीरियर है जहाँ पे पोस्ट पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, तो आप यहाँ से माल खरीदते वक्त ही पहले ही बोल देवें कि मेरी पोस्ट भेजिएगा नहीं, आप अपने पास रखिएगा, तो हम उसको अलग से ट्रांसपोर्ट के अंदर जब आपको माल मिलेगा, वहां पे माल पहुंचेगा आपका, तो हम यहाँ उसको जमा करवा देंगे, जिससे कि वो वहां वाली ट्रांसपोर्ट को मेल करेगा और फिर आपको माल दे देगा। तो ये चीज का एकदम खास ख्याल रखना है कि आप अगर एकदम देहात इंटीरियर में हैं जहाँ पे मेन स्टेशन नहीं है, और पोस्ट ऑफिस में तो भेजने से कोई मतलब नहीं है, 20-20 दिन तक वो नहीं पहुँचती है, और माल पहुँच जाता है 7वें 8वें 10वें दिन, तो पोस्ट में तो भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। मेन कुरियर जहाँ पहुँचता है वहीं हम ट्रांसपोर्ट वो बिल्टी भेजते हैं, तो ये चीज़ जरूर आप खास ख्याल रखें। अगर आपके यहाँ कोई कुरियर नहीं आता है तो आप हमें बोल दीजिए, या जहाँ से भी माल खरीदते हैं उनको बोल दीजिए, वो आपकी बिल्टी को भेजेंगे नहीं, नहीं तो रास्ते में रहने की वजह से और ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो यही थोड़े से पॉइंट्स हैं जो काफ़ी कमेंट्स में लिखे हुए आते थे कि हम किस तरीके से माल मंगवा सकते हैं या हमें क्या करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जीएसटी का थोड़ा सा सवाल आता है, अगर जीएसटी आप लेके रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपका जो सवाल था जो कि आपने कमेंट्स में नीचे लिख के भेजा था, ट्रांसपोर्ट से संबंधित माल कैसे मंगवा सकते हैं इससे संबंधित, काफी हद तक आपकी सॉल्यूशन आपको मिला होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और समस्या, कपड़े के व्यापार से रिलेटेड या और कोई भी समस्या जो आप हमसे जुड़े हुए हैं उससे समस्या कोई आपको आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना के सभी की समस्याओं का कोई जो भी एक निराकरण, एक सॉल्यूशन हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी।
और अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो कि जिनको इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है उन तक आप अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो उनको सॉल्यूशन मिलेगा। और आगे भी इसी तरह की समस्याएं अगर आपको आती है और हम वीडियो बनाते हैं तो वो आपको सबसे पहले मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो हम उसका निराकरण आपको दे सकें। थैंक यू वेरी मच।